नमस्कार अनिल पांडे जी, ये संदेश मैंने खास आपके लिए बनाया हुआ है। पेशे से मैं ऐसे एडवोकेट हूँ और लास्ट 45 ईयर्स से मैं गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद सिटी सिविल और कई और ज़िले में मैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम की प्रैक्टिस करता हूँ। लॉकडाउन चल रहा था तो कहीं आने जाने का तो कोई प्रश्न था नहीं। मैं घर में बैठ के अपने LG TV पे न्यूज़ देख रहा था, अचानक वो TV बंद हो गया। तो मैंने ट्राई किया दो तीन दफ़ा चालू बंद करके, शायद चालू हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। ये TV मैंने कोरिया से इंपोर्ट किया हुआ था और वो टाइम पे उसकी कीमत 1,08,000 था। तो मैंने सोचा कि चलो LG के इंजीनियर को बुलाया जाए। मैंने कंपनी में रिक्वेस्ट लिखाई तो दूसरे दिन कंपनी से इंजीनियर को भेजा गया। उन्होंने चेक किया मेरा TV और बोले कि मदरबोर्ड फेल है। और उन्होंने बोला कि मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ, अगर कंपनी में मिल जाएगा तो आपको रिपेयर करके दूंगा। मैंने पूछा कि क्या कॉस्ट होगी, तो उन लोगों ने बताया 7,000 से 8,000 रुपया आपको रिपेयर चार्ज लगेंगे और अभी के 1,500 रुपया विजिट चार्ज। मैंने बोला ठीक है, आप देखिए कैसे होता है। 15 दिन के बाद वही इंजीनियर का मुझे फ़ोन आया कि ये मदरबोर्ड एक्टिव है लेकिन कंपनी के पास अभी हाजिर नहीं है। उन लोगों की ऑनलाइन सिस्टम में पूरे इंडिया में देखा तो नहीं मिल रहा था। तो मैं सोच में पड़ गया कि अभी क्या करूं। मैंने फिर से पूछा कि इसके लिए क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि आप बायबैक करके नया LG का TV ले लीजिए। मैंने शोरूम से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये TV का बायबैक में 2,000 रुपीज़ मिलेगा। मैं हक्का बक्का रह गया और मैं इरिटेट हो गया कि 1,08,000 का TV का सिर्फ 2,000 रुपीज़ बायबैक में। मैं बहुत उलझन में पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और किया जाए। अहमदाबाद बड़ा शहर है। मैंने YouTube पे सर्च किया कि कौन कौन ऐसे लेट TV रिपेयर करते हैं, तो सर्च करते करते मुझे लेड नॉलेज करके एक चैनल मिली। तो मैंने एक दो वीडियो देखे तो मेरा नसीब था कि वो खुद LED रिपेयर का ही काम करते थे और वो अहमदाबाद में थे। मैंने उससे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने बोला शायद वो करे ना करे, इसलिए मैंने उनका चैनल पे गया। मैंने ऐसा देखा कि वो अबाउट में क्या लिखा है, तो उन्होंने देखा कि वो काफ़ी 20 ईयर्स से एक्सपीरियंस थे, लेड TV का वो ट्रेनिंग भी क्लास चलाते हैं और बहुत से वीडियो भी उन्होंने लोगों के लिए बनाया है। और उन्होंने हार्ली के नाम से ऑथर के हिसाब से एक टेक्निकल बुक भी लिखी है, तो मुझे भरोसा होगा कि वो मेरा TV जरूर रिपेयर करेंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी जब ये TV बिल्कुल बेकार ही हो गया है, मदरबोर्ड ही खलास है, तो आप एक ऐसा कीजिए, मुझे ये TV को एंड्रॉयड सिस्टम में बना के दीजिए। उन्होंने बोला कि शायद खर्च ज़्यादा आएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जो भी करें वो ठीक होएगा, आप कर दीजिए। उन्होंने काफ़ी मशम्मत की होगी क्योंकि बहुत टाइम के बाद भी उनको कहीं पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। फिर जाके उन्होंने क्या जुगाड़ बिठाया वो तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ नहीं।
फिर मैंने देखा एक दिन उनका फोन आया कि आप आ जाइए देख लीजिए, ट्रायल देखिए आप। मैं उनकी दुकान पे कल परसों ही गया, मैंने देखा तो उन्होंने अलग अलग पुर्जे खोल के बिल्कुल लगाए हुए थे। उन्हें टेक्निकल भाषा में बहुत कुछ भी समझा है, लेकिन मेरी समझ में तो इतना नहीं आएगा। वो तो खुद ही बताएंगे उन्होंने क्या जुगाड़ बना के ये रिपेयर किया है। लेकिन मैंने टेस्ट किया तो बिल्कुल एंड्रॉयड सिस्टम चल रहा था, जैसे बिल्कुल नया हो। तो मैं इसके लिए मिस्टर पांडे जी का धन्यवाद करता हूँ, और एक ऐसे काम में मुझे सहकार दिया है जो शायद मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। क्योंकि एक दफ़ा तो मेरे सर ने, जो लंदन में स्थित है, उन्होंने कहा कि पापा उसे फेंक दीजिए और सोनी का 65 इंच का नया टीवी ले लीजिए, करीब 1 लाख रुपए में आता है। पंडे जी, आपने तो मेरा 1 लाख रुपया बचा दिया, मेरा काम कर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।